नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जो आरटी का हार्ट है, जो आरटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर जिसको भी आता है उसके लिए आरटी का कोई मसला ज्यादातर आने प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना यही कंफ्यूजन होता है कि ये जो हमारा फिल्म है वो उसको धोया कैसे जाए, उसके अंदर केमिकल कौन सा रखा जाए, वो कितनी देर तक उसको एजिटेट करना है, वो केमिकल के अंदर इसको कितनी देर तक एजिटेट करना। जैसे कपड़ा आप धोते हैं ना, कपड़ा धोते हैं उसमें बहुत सारे मिट्टी वगैरह लग जाता है, तो पानी की बाल्टी के अंदर कितनी बार ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा। तो वही सब चीज है, ये फिल्म जो है एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज होने के बाद इसके अंदर लेटेंट इमेज मिल जाता है, लेकिन वो लेटेंट इमेज हमें दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए हमें फिल्म को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और फिल्म को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से केमिकल यूज करने चाहिए उसका भी डिस्कशन है, और ये चैप्टर में हम बहुत सारा बाकी का भी डिस्कशन करेंगे। फिल्म को होल्डिंग कैसे करना है, डार्क रूम जो है वो कैसा होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को आजकल डार्क रूम में भी प्रॉब्लम होता है। डार्क रूम होता क्या है, तो मिस्टर इंडिया किसी ने देखा है, उसमें होता ना मोगेम्बो क्या करता था, पूरे लाइट बंद कर देता था, रेड लाइट जला जाता, तो वैसा ही डार्क रूम एक बनाना पड़ेगा आपको। तो वो डार्क रूम कैसा है, उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। एसटीएम के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन जनरली लोग कैसे करते हैं, डार्क रूम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं। नाउ रेडियोग्राफी फिल्म एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स। हमने बहुत सारे ये सब चैप्टर अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस किया है। अभी हम जो जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 में जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलेंगे तो यही चैप्टर है। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करेगा कि इसको होमवर्क के तौर पर भी किया जाए एक बार, भले ही मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन होमवर्क के तौर पर भी उसको एक बार और किया जाए, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का यहां पे स्वागत करता हूं वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में। ये गुजरात लोकेशन सूरत लोकेशन में अवेलेबल है, हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज, तो वहां पे भी आपको ये सब चीज मिल सकता है, ठीक है। ओके, यहां पे मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, काम है तो आप टेक्निकल कोई डाउट है, क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई बुक्स वगैरह चाहिए, कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए तो दीपेश पटेल को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है रेडियोग्राफिक फिल्म एंड रेडियोग्राफिक प्रोसेसिंग टेक्निक में पहला है डार्क रूम। डार्क रूम कैसा होना चाहिए, डार्क रूम मतलब क्या, डार्क रूम मतलब ये जो आरटी फिल्म है उसके 3 लोग हमारा एक्सपोज कर सकते हैं। फिल्म को एक्सपोज करने के लिए 3 लोगों का हाथ है, पहला कौन है, एक्सरे, दूसरा गामा, तीसरा विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट हमारा क्या हुआ, मोगेम्बो हुआ है ना, वो विलन हुआ हमारा विलन, तो ये विलन को हमें दूर रखना है। इसी की वजह से हमें लाइट टाइट एनवायरमेंट, कैसा, लाइट टाइट हमें सिस्टम चाहिए, और लाइट टाइट सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डार्क रूम। क्योंकि ये जो है फिल्म ऐसा थोड़ी आएगा, फिल्म तो A3 साइज में आएगा, बड़ी साइज में, उसमें समझो आपको ऐसी साइज में रखना है, ऐसी साइज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि एक मेरा यहाँ पे एक पाइप में दिखाता हूँ, पाइप कहाँ गया, ये पाइप का मुझे आरटी करना है, फॉर एग्जाम्पल ये पाइप का आरटी करना है, तो मुझे ये इतना बड़ा फिल्म चलेगा क्या, इतना बड़ा फिल्म चलेगा नहीं, इतना बड़ा फिल्म नहीं चलेगा, हमें छोटा फिल्म रखना पड़ेगा, समझ में आया। छोटा फिल्म रखोगे, ये भी बड़ा है, इससे भी छोटा रखना पड़ेगा, समझ में आया। तो हमें छोटा फिल्म काटना तो पड़ेगा, तो ये जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो ये सब लाइट क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी, तो वो फिल्म खराब हो जाएगा। इसी की वजह से हमें डार्क रूम जनरेट करना पड़ेगा, वो कैसा होना चाहिए वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये स्टोरेज सप्लायर है, यहाँ पे एक डेवलपर है, एक स्टॉप बाथ है, एक पिक्चर है, एक वॉश है, एक सिंक है, एक वेस्टबिन है, यहाँ पे ड्रायर है, यहाँ पे लाइट टाइट फिल्म बिन है, और यहाँ पे लोडिंग बैच है, यहाँ ट्रांसफर एंड कैबिन, ये सब चीज बैठने का, यहाँ पे इसमें अंदर हमारा मुत्तू स्वामी क्या करेगा, घूमेगा, समझ में आया, यहाँ पे इसके बीच में अंदर चलेगा, समझ में आया। तो ओके, लेकिन ये सब चीज डेवलपर, यहाँ स्टॉप बाथ, यहाँ पिक्चर, यहाँ वॉश पानी को वॉश करने के लिए, यहाँ पे सिंक है, यहाँ वेस्ट बिन है, यहाँ पे ड्रायर है, ये सब चीज क्यों, तो ये जो साइड है इसको वेट साइड बोलेंगे। कौन सा साइड बोलेंगे, वेट साइड। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो एक रूम के अंदर बंद है, तो एक साइड पानी वगैरह सबका एरिया रहेगा, एक सब एकदम, एक दूसरी साइड मतलब एकदम कोरा ड्राई रहेगा, ठीक है। ड्राई क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो फिल्म है वो उसको अगर पानी के एरिया से ऐसे निकलते जाएंगे तो वहां से कुछ ड्रॉप वगैरह गिर गया तो भी ये फिल्म खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके लिए एक साइड ड्राई रहेगा, एक साइड वेट रहेगा, ठीक है।
ओके अभी यहाँ पे हम लोग देर आर मेनी साइज एंड डिजाइन ऑफ द डार्क रूम बट दे आर यूजली डिवाइडेड इन टू एरिया वेट साइड एंड ड्राई साइड. ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा फिल्म को लोडिंग करना पड़ेगा और फिल्म को अनलोड करना पड़ेगा. लोडिंग करना मतलब क्या? लोडिंग करना मतलब ए थ्री साइज का फिल्म आप बाहर से खरीद के आए, ठीक है, उसको लाइट टाइट फिल्म बिन के अंदर रख दिया आपने, अभी उसको बाहर निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको उसमें से एक ही फिल्म चाहिए अभी टेम्पररी, तो वो एक फिल्म को निकालने के लिए पूरा बंच, आपने कभी देखा है जेरॉक्स मशीन वाला होता है वो ए थ्री साइज का या ए फोर साइज का इतना बड़ा बंच लेके आता है ना, वो बंच को ऐसे तोड़ के क्या करता है, उसमें से एक पेज चाहिए तो एक, पूरा चाहिए तो पूरा यूज करता है कि नहीं करता. वैसे ही ये फिल्म आने वाला है सेम टू सेम, फर्क ये है ऊपर थोड़ा कवरिंग ज्यादा होगा और कुछ नहीं. अभी एक फिल्म निकालना है तो ऐसे लाइट में नहीं चलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइट सब बंद करना पड़ेगा, लाइट बंद करके रेड लाइट जलाना पड़ेगा. रेड लाइट जलाओगे तो ही अनिल कपूर दिखेगा, ठीक है, तो ही हमारा फिल्म दिखेगा. तो रेड लाइट में फिर एक फिल्म निकालना है. फॉर एग्जाम्पल जैसा ही हमें आरटी करना है वैसे हिसाब से हमको आरटी का फिल्म को काटना है. काटने के बाद फिर इसको लोड करना है. काट दिया फिल्म, काट दिया, अभी लोड कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ. थोड़ा मैं भी लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि लोड करना है. तो समझो मैं यहाँ पे आरटी, ये फिल्म है मेरा, कौन सा है RT, ये आरटी का फिल्म है, ठीक है, ये कैसा फिल्म है, अनएक्सपोज्ड आरटी फिल्म है. कैसा है? अनएक्सपोज्ड आरटी फिल्म. मैं थोड़ा इसका भी लाइट कम कर देता हूँ, ठीक है, ये भी नहीं कम क्या चलेगा ही नहीं, लेकिन आशा करता हूं आपको थोड़ा बहुत दिख जावे. दिख रहा है? दिख रहा है? अभी देखो ये अनएक्सपोज्ड आरटी फिल्म है. कैसा है? अनएक्सपोज्ड आरटी फिल्म. ये आपने कैंची से काट दिया, आपको इतना चाहिए था तो काट दिया. अभी क्या करना है, इसको कैसेट के अंदर फिट करना है, है ना, लीड के अंदर, मतलब कैसेट के अंदर, स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के अंदर डालना पड़ेगा. तो ये लीड है, क्या है? ये लीड है. ये भी लीड है, क्या है? लीड. ये लीड को क्यों डालना है लीड, वो भी मैं आगे आएगा तो समझाएगा. ये यहाँ पे ऐसे आपको कर देना है, ठीक है, ये कर दिया आपने, ये लीड के अंदर सेट कर दिया. अभी ये लाइट टाइट एनवायरमेंट हुआ नहीं हुआ? अभी ये लाइट टाइट एनवायरमेंट हुआ नहीं हुआ? ये तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लाइट जा सकता है ना. जैसे ये डोर है, डोर को आप देखिए, वो जहां पे उसकी बॉर्डर है वहां पे थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है ना, तो लाइट लीकेज हो रहा है, तो इसमें भी लाइट लीकेज होने का चांस है और फिल्म खराब होने का चांस है, ठीक है. अभी क्या करने का, इसको ये है मेरा रबर, क्या है, रबर का शीट है या तो प्लास्टिक समझो, जो भी है, प्लास्टिक नहीं है, रबर है, ठीक है, ये रबर है. इसके अंदर मैंने इसको ऐसा फिट किया, देखो ये, ठीक है, मैं देखो इसको ऐसे फिट किया, ठीक है. अभी इसको, अभी भी ये लाइट टाइट एनवायरमेंट हुआ इसमें नहीं हुआ. तो अभी मैं क्या करेगा, इसको ऐसा उल्टा करेगा और ये हो गया. अभी भी लाइट टाइट एनवायरमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप टैप लगा देने का, ठीक है. तो ये अभी क्या हो गया, लाइट टाइट एनवायरमेंट हो गया, ठीक है. अभी देखो अभी क्या होगा, फिल्म ये लोडिंग तो हो गया, ये फिल्म को लोडिंग तो हो गया, फिल्म लोडिंग हो गया. अभी क्या करना है, मुत्तु स्वामी लेके कहां जाएगा, जो भी फिल्म का आरटी करना है. प्लेट कहां गया, बड़ा वाला प्लेट, ठीक है, लो लो, हाँ वो है. ये देखो समझो हमें मुत्तु स्वामी को इसका आरटी करना है, ठीक है, ये आरटी करना है ना, इसका आरटी करना है ना, तो इसके लिए तो उसने ये सब फिल्म काटा, तो ये फिल्म यहाँ पे उसको चिपका देना है. फिल्म चिपका दिया, ऐसा थोड़ा आ जाओ, समझो ऐसा आपने, उसने ऐसा फिल्म चिपका दिया, ठीक है, ऐसा फिल्म चिपका दिया, ठीक है. अभी ये क्या है, IQI लगाना कंपलसरी, वो तो आपको पता है ना, अगर सिंगल शॉट ले रहे तो IQI लगाना है. और इसका थिकनेस हमें देखना है, थिकनेस के हिसाब से वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, टेबल नंबर 276 एसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 में वो जो टेबल दिया उसमें थिकनेस देखना है. हाँ भाई, 10 mm थिकनेस है, 10 mm थिकनेस में कौन सा IQI लगाना, तो फॉर एग्जाम्पल बी IQI या ए IQI जो भी है आप समझ, देख लो इसके हिसाब से वो IQI लगाना, वो आपने सिलेक्ट किया. और यहाँ पे फिल्म साइड IQI नहीं लगाना है, फिल्म साइड IQI नहीं लगाना है, ये सोर्स साइड IQI लगाना है, समझो ये सोर्स है, ये सोर्स है. तो यहां से रेज आएंगे तो IQI के ऊपर पड़ेंगे, फिर जॉब के ऊपर, फिर आपका फिल्म के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है, समझो ऐसा लगाया. अभी ये ओके, अभी ये हो गया, अभी क्या हो गया, ये फिल्म एक्सपोज हो गया. फॉर एग्जाम्पल उसने डिस्टेंस वगैरह रखना था, वो UG इज इक्वल टू F इनटू स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D, तो कैपिटल D इज इक्वल टू
एफ इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय यू जी, जिसके हिसाब से उसने सेटल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये अभी साहब ये हमको नहीं पता है, तो आगे के चैप्टर आपने मिस किए होंगे, इसके लिए ये पता नहीं होगा, ठीक है। ये इसके हिसाब से आपने डी डिसाइड कर लिया, तो ऐसा डिस्टेंस रख लिया, वो सब चीज कर लिया, फिल्म एक्सपोज हो गया। क्या हो गया? एक्सपोज हो गया। अभी फिल्म के अंदर उसका इमेज छप गया, ठीक है। तो अभी आप सीधा निकालेंगे तो घंटा आपको कुछ नहीं दिखेगा इसमें। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिल्म को डेवलप करना पड़ेगा। तो अभी मैं देखो फिल्म को, अभी पहले क्या किया था, मैंने फिल्म को लोडिंग किया था। क्या किया था? लोडिंग करने के बाद मैं जॉब पे गया, जॉब पे सोर्स लेके गया, उससे वो एक्सपोज करवाया। अभी फिल्म मुत्तु स्वामी लेके वापस किस कहां पे आएगा? डार्क रूम में आएगा। डार्क रूम में आएगा, पीडीएफ खोलेगा, लेकिन ऐसे ही खोल देगा नहीं। इसको ये सब चीज निकाल के बंद, ये सब लाइट टाइट एनवायरमेंट करना पड़ेगा, पूरा बंद करना पड़ेगा, फिर खोलना है। फिल्म खोला, खोलने के बाद वो फिल्म है, यहाँ पे क्लिप रहता है, वो आप हम लोग कपड़ा सुखाते तो उसमें है ना एंगल रहता है ना, है ना एंगल। आजकल तो नहीं यार कुछ सिस्टम आ गया, पहले पुराने जमाने में तो ऐसा क्लिप वाला सिस्टम था, है ना क्लिप वाला। तो अभी भी मेटल का क्लिप आता है, वो भी यहाँ पे मैं आपको अगर दिखा सकता हूँ तो है, तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक हो। देखो यहाँ पे एक क्लिप है ना भाई साहब के पास, देखो ये यहाँ पे ऐसा क्लिप है, देखा ये दिख उसके अंदर फिल्म का यहाँ पे ऐसा क्लिप है, ये क्लिपिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, ये काला कलर का अंदर तक है, ये तो अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन आप ऐसा समझ लो यहाँ पे क्लिप, ये भाई साहब ने क्लिप ही पकड़ा है, देखा आपने ये क्लिप पकड़ा है ना यहाँ पे, वो क्लिप के अंदर फिट कर दिया। फिर डेवलपर के अंदर ऐसा एक बात होगा, ऐसे सभी बात है, ये डेवलपर है, एक स्टॉप बात है, एक पिक्चर है, रनिंग वाटर है, ये सब चीज होगा। इसके अंदर केमिकल होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे डुबो के उसको फिल्म को डेवलप करना है, कुछ टाइम तक करना है, उसके बाद स्टॉप बात में, उसके बाद पिक्चर में, उसके बाद रनिंग वाटर में, उसके बाद उसको क्या करना है, जैसे कपड़ा सुखाते हैं वैसे उसको सुखा देना है ड्रायर में। क्या करना है? ड्रायर में। चलो ये भी बात हो गया। इसके बाद हमने सूख गया, फिर कहां जाना है, आरटी फिल्म व्यूअर के ऊपर जाना है। कहां पे जाना है? आरटी फिल्म व्यूअर के ऊपर। फिर हम आप पैडल से, पैडल वाला है ना, अभी यहाँ पे कौन सा है, पैडल वाला भी है, बटन वाला भी है, दोनों है ना, दोनों आरटी जो भी है, जो आपको जैसा लगता है वैसा ऐसा करके आपको लाइट करके देख लेना है कि उसमें कोई कांड है कि नहीं। हड्डी अगर टूटा हुआ, अगर समझो आपने बॉडी का लिया है, हड्डी टूटा हुआ होगा तो वहां पे क्या होगा, काला कलर का एक स्क्रैचेस वगैरह आया होगा, तो हम बोल देंगे कि भाई यहाँ पे ये आपका हड्डी टूटा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज करना है, लेकिन ये सब चीज हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में समझेंगे। ऐसा वर्बली हवा में फेंक दिया ऐसा नहीं, हम लोग केमिकल कौन सा होता है, कितने मिनट तक करना है, डार्क रूम कैसा होना चाहिए, रूल्स क्या है, वो सब चीज सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेफ लाइट प्रोवाइड क्या है, फिल्टर लाइट है, लेसनिंग द डेंजर ऑफ द एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, फिल्म को कर रहे ना इसके लिए सेफ लाइट लगाया जाता है, जैसे रेड लाइट, कैसा रेड लाइट, ठीक है। दूसरा लिखा है एक्स्ट्रा कॉशन प्रिकॉशन आपको रखने के लिए, लोडेड और ड्राई साइड में आपको फिल्म को लोड और अनलोड करना है। लोड करना मतलब क्या, फिल्म जब नया नया मार्केट में लेके आते हैं तो उसको कैंची के हिसाब से या कटर के हिसाब से काट के, जैसा आपका जॉब का शेप साइज है उसके हिसाब से आप काट के इसको अंदर लोड करना है, उसको क्या बोलेंगे, लोडिंग। और अनलोडिंग करना मतलब वहां पे जा गया, साइड गया, साइड से फिर रिटर्न आया, फिर इसको अनलोड करना पड़ेगा और धोना पड़ेगा, समझ में आया, अनलोड करना पड़ेगा। तो वो दोनों चीज आपको ड्राई साइड में करना है। कौन सी साइड में करना है? ड्राई साइड में। अगर वेट साइड में किया, पानी के एक दो बूंदे लग गए, तो पूरा फिल्म क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ओ भाई साहब, समझ में आ रहा है। कहाँ से है आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से है? बेतिया। कहाँ से? बेतिया। बेतिया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा भी नई रूम है तो ऐसा भी रूम हो सकता है, स्मॉल डार्क रूम है, यहाँ पे एनलार्ज है, यहाँ पे कटर है। कटर मतलब वो पुराने जमाने में ऐसा कटर करने वाला भी आता था और कैंची भी है, वो आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, कटर आता है फटाक से काट देता है ना, ऐसा कटर आता है, तो कटर भी यूज कर सकते हैं। पेपर स्टोरेज है, कुछ एक्स्ट्रा पेपर वगैरह रखना है तो रख सकते हैं। ये है वेट साइड। कौन सा साइड? वेट साइड। वेट साइड में डेवलपर है, स्टॉप बात है, पिक्चर है, वाटर है, और ड्राइंग एरिया है, और सुखाने के लिए ये इसमें चलने वाला एरिया है, ऐसा वैसा आप चल सकते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे आपका एंट्रेंस होगा, वो डोर होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, डार्क रूम ऐसा भी रखा सकते हैं। देखो ये वन नंबर है, वो कैसेट है, वन नंबर यहाँ पे कैसेट है, यहाँ पे कैसेट का है, जो इसमें फिंगर मार के ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, वो कैसेट है, यहाँ पे लगा सकते, लटका सकते हैं आप। उसके बाद दो और चार नंबर फिल्म हैंगर बकेट है,
दो नंबर और चार नंबर एक फिल्म हैंगर का बकेट है, फिल्म हैंगर जो होता है ना वो लगाने के लिए बकेट वहां पे, ताकि वहां पे चिपका सके। तो ऐसा होता है ना, चिपकिया घर में होता है तो एक डोल में या फिर ऐसे ही एक जगह पे ही रखते हैं ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा पड़ेगा तो क्या होगा, कंफ्यूज होगा। तो यहाँ पे यही चीज है, ठीक है। तीसरा है वॉल माउंटेड लैंप विद सेफ्टी फिल्टर, ये सेफ्टी फिल्टर का वॉल माउंटेड लैंप है। वर्क बेंच केबिन विद स्टोरेज ड्रॉअर एंड हैंगर केबिन, ये जो है ना यहाँ पे आप टेबल यहाँ पे चेयर के ऊपर आप मुतुस्वामी यहाँ पे बैठ के फिर, या तो फिर यहाँ पे कोई लंबा वाला है तो यहाँ पे ऐसा काम भी कर सकता है, या तो चेयर के ऊपर बैठ के चेयर को हाइट पे करके वो मतलब यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। छठा है डार्क रूम लाइट है, ये डार्क रूम लाइट है, ये व्हाइट लाइट नहीं है, डार्क रूम लाइट है, ठीक है। व्हाइट लाइट बंद कर देने का है और डार्क रूम, जैसे मैं पूरा ये बंद कर दूंगा अगर, तो जैसे हमारा रेड लाइट अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो थोड़ी देर में अभी रेड लाइट स्टार्ट होगा, का है नहीं हुआ, हाँ हो गया ना, देखो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ओ भाई साहब, ओ चाचा, हुआ ना, तो ऐसे ही है, ठीक है। अभी मैं चालू कर देता हूँ, बाद में बोलना नहीं कि बोला नहीं, ठीक है, हुआ ना, ऐसे रेड लाइट वो वगैरह रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिल्म व्यूइंग बॉक्स, यहाँ पे फिल्म व्यूइंग बॉक्स है सात नंबर का, मतलब समझो डेवलपर कर दिया और कुछ बीच बीच में ऐसा ऐसा देखना है कि बराबर हुआ है कि नहीं हुआ, वो देखने के लिए यहाँ पे फिल्म व्यूअर है। उसके बाद वॉल लैंप है, सेफ्टी फिल्टर, टाइमर, प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम के लिए टाइमर, वहां पे मोबाइल का लाइट नहीं चलेगा, काहे नहीं चलेगा भैया, विजुअल लाइट जो है वो विजुअल लाइट क्या करेगा, फिल्म को प्रॉब्लम कर देगा। तो वहाँ पे स्टॉप वॉच रहता है, क्या करता है यहाँ पे कचाक से, हमको 8 मिनट कचर बचर डेवलपर में करना है, तो 8 मिनट तक ऐसा स्टॉप वॉच चालू कर देने का है ना, स्टॉप वॉच। कुछ लोग तो ऐसा जेब में रखते हैं, हाँ चलो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसा करना है। तो स्टॉप वॉच होता है वो यहाँ पे है। उसके बाद फोर सेक्शन प्रोसेसिंग, कौन कौन से फोर सेक्शन, डेवलपर, स्टॉप बार, फिक्सचर, रनिंग वाटर, उसके बाद ड्राइंग केबिन, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे होता है। अभी हम आते हैं ट्रांसपेरेंट, अभी रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर आते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पॉलीएस्टर और एसीटेट इज यूज द बेस ऑफ द रेडियोग्राफिक फिल्म। ये रेडियोग्राफिक फिल्म दिखने में भाई साहब ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है खाली एक पेज हो गया ऐसा नहीं है। ये जो फिल्म है इसको ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पे इसको चीरा करके इसको जूमिंग करके दिखाया गया है। जनरली एकदम सेंटर में बीच में पॉलीएस्टर होता है, इसको बोलते हैं एसीटेट बेस। क्या बोलते हैं? वो फिल्म का बेस है। क्या है? फिल्म का बेस है, ठीक है। ओ चाचा, फिल्म का बेस है। उसके ऊपर हम लोग इमल्शन या तो इमेजनरी लेयर, इमेज जो बनता है वो यहाँ पे बनता है, उसके नीचे भी इमल्शन या इमेजनरी लेयर होता है, समझ में आया। उसके ऊपर भी एजीपीआर, उसके नीचे भी एजीपीआर, उसको इमल्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमल्शन। क्या बोलेंगे? इमल्शन। क्या बोलेंगे? इमल्शन। गुड, ओके। ये जो इमल्शन है वो बहुत नाजुक है भैया, उसको ऐसा टच करेंगे तो स्क्रैचेस पड़ जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, नीचे भी क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर। तब जाके ये मेरा आरटी फिल्म वो व्हाइट कलर का मैंने दिखाया था ना, सिल्वर व्हाइट कलर का, वो ऐसा होता है, समझ में आया? अभी साहब बोले साहब ये तो काला है, तो भाई ये डेवलप हो गया है इसके लिए, है ना? ये क्या था? अनएक्सपोज था, और ये क्या है? एक्सपोज हो गया है, ठीक है। तो ऐसा है इसके लिए, एक्सपोज होके फिर डेवलप हो गया है ये इसके लिए, ठीक है। तो ऐसा हमारा यहाँ पे लेयर बनता है। तो एक लाइन बाय लाइन हम लोग इसमें कोई मिस नहीं करेंगे, एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे। ये चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो एक भी वर्ड हम मिस नहीं करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। Most radiographic film has a sensitive emulsion on both side of the acetate base. जनरली एसीटेट बेस के दोनों साइड इमल्शन लेयर होता है, या तो उसको इमेजनरी लेयर भी बोलते हैं। ओ भाई साहब, उसके बाद आउटर लेयर ऑफ द फिल्म लेयर इज जिलेटिन विच प्रोटेक्ट द इमल्शन लेयर फ्रॉम द स्क्रैचेस। तो उसके ऊपर जिलेटिन लेयर रहता है, उसके नीचे भी जिलेटिन लेयर रहता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव लेयर। और क्यों होता है? तो वो जो इमल्शन लेयर है उसमें स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े, समझ में आया? ओके। अभी द सॉफ्ट इमल्शन लेयर, इमेजनरी लेयर हैज सस्पेंडेड इन अ माइक्रोस्कोपिक ग्रेनी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड बोलो या तो सिल्वर ब्रोमाइड बोलो, दोनों सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड,
दोनों का नाम सही है, दोनों को AGBR का दो, एक नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा नाम है सिल्वर हैलाइड। क्या है? सिल्वर हैलाइड। वो इमल्शन लेयर में हो गए, यहाँ पे क्लियर लिखा ना, सॉफ्ट इमल्शन लेयर इमेजिनरी लेयर हैज सस्पेंडेड इट इन माइक्रोस्कोपिक ग्रेन, एक ग्रेन स्ट्रक्चर हो गया माइक्रोस्कोपिक, किसके? ऑफ द सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। उसके बाद अ सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन व्हेन एक्सपोज, जब वो एक्सपोज होगा, कब? आरटी जॉब जॉब के ऊपर रखा, एक्सपोजर स्टार्ट किया हमने, रेडिएशन स्टार्ट किया, तब। ओ चाचा, ओ भाई साहब, कहां के हैं आप? प्रयागराज बिहार से। बिहार में कहां से? दरभंगा। तो भाई फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन व्हेन एक्सपोज होगा, कौन एक्सपोज होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब कौन होगा? ये भाई साहब की बात चल रही है, ये भाई साहब जो है जब एक्सपोज होगा, किससे एक्सपोज होगा? एक्सरे से या तो गामा से, जब एक्सपोज होगा टू लाइट द रेडिएशन, या लाइट से वो एक्सपोज हो, या तो रेडिएशन से एक्सपोज हो, विजिबल लाइट से एक्सपोज हो, या तो रेडिएशन से एक्सपोज हो, इट वुड बिकम अ विजिबल एंड टर्न अ फिल्म ब्लैक। फिल्म को क्या करेगा? वो ब्लैक बनाएगा। का है ब्लैक बनाएगा? जब धोने के टाइम पे एजी क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, वो आएगा फिनोमिना, वो सब आएगा, तो मैं समझाएगा। हाउएवर अभी क्या होगा, जब एक्सपोज हुआ तब हमारा इमेज जो जनरेट हुआ उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट इमेज बोलेंगे। एंड नो विजिबल चांस टू फिल्म द नोटिसेबल अंटिल आफ्टर द डेवलपमेंट, वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप उस फिल्म को डेवलप ना कर दो। वो जो लेटेंट इमेज बना है वो आपको दिखेगा नहीं, उसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिल्म को धोना पड़ेगा, ठीक है। गुड गुड रिस्पॉन्स। ए लेटेंट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म व्हेन द सम ऑफ द सिल्वर हैलाइड या सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन आर आयोनाइज्ड बाय एक्सरे। अभी क्या होगा, ए लेटेंट इमेज है ना, वो फॉर्म कैसे बनेगा, वे कैसे जनरेट होगा? तो भाई सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको एक्सरे जो है वो आयोनाइज करेगा। आयोनाइज करेगा मतलब तोड़ेगा, क्या करेगा? तोड़ेगा। अभी क्या होगा, गामा उसको तोड़ सकता है, एक्सरे तोड़ सकता है, या तो विजिबल लाइट तोड़ सकता है। अगर आप प्रॉपरली प्रिकॉशन रखेंगे तो विजिबल लाइट उसमें नहीं प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आपने किधर से भी प्रॉब्लम कर दिया तो मोगेम्बो घुस जाएगा। समझ में आया? अनिल कपूर की फट जाएगी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। या तो विजिबल लाइट से वो क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, ठीक है। और लेटेंट इमेज इज मेड बाय विजिबल, अगर अभी अभी लेटेंट इमेज, इसमें अभी लेटेंट इमेज मुत्तु स्वामी क्या गया था, पहले गया था, अभी साइट से रिटर्न आया, तो अभी ये लेटेंट इमेज को विजिबल बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बाय डेवलपिंग द फिल्म वेयर द आयोनाइज्ड द सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन आर रिड्यूस द सिल्वर मेटालिक सिल्वर, सॉरी ब्लैक मेटालिक सिल्वर, तो ब्लैक मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करना है तो उसको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ईच इंडिविजुअल ग्रेन हैज बीन एक्सपोज्ड विद हेल्प ऑफ द इमेज ऑफ द फिल्म, तो ये इमेजिनरी लेयर की वजह से इसमें इतना ही दिखा है उतना ही AGBR नहीं होता, बहुत सारे AGBR होते हैं। रेज जितना आएगा, एक रेज शायद ऐसा भी हो कि 21 AGBR को तोड़े, ऐसा भी हो कि 2-3 को भी तोड़े, समझ में आया, और रेज के ऊपर डिपेंड। तो यहाँ पे जितने भी बहुत सारे AGBR होंगे। आगे बढ़ते हैं। There is a no partial exposure of silver grain. ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले का एक्सपोजर होगा, ऐसा नहीं, जहां पे भी रेज पास होगा वो सबका एक्सपोज और करेगा, ठीक है। एरिया ऑन द फिल्म ऑफ द लाइट, एरिया ऑन द फिल्म ऑफ लाइट एंड डार्क सिंपली प्रेजेंटेड अ नंबर ऑफ ग्रेन एक्सपोज एट दैट एरिया, तो जहां जहां पे एक्सपोज होगा वो एरिया की बैंड बजेगी, वो एरिया ही आयोनाइजेशन होगा। समझ में आया? रेज आया क्योंकि सभी रेज इसमें शायद आए या ना भी आए, है ना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से रेज आएंगे, जहां पे ज्यादा डेंसिटी मटेरियल के अंदर होगा वहां पे रेज कम आएंगे और कम एक्सपोज करेंगे, जहां पे कम थिकनेस होगा, जहां पे कम थिकनेस होगा वहां पे ज्यादा आएगा। समझ में आया? मोर एक्सपोज गैन गिव अ डार्कर इमेज, अगर ज्यादा एक्सपोज होगा फिल्म तो इमेज कैसा बनेगा? काहे काला बनेगा भैया? ज्यादा एक्सपोज हुआ मतलब रेडिएशन ज्यादा फिल्म के ऊपर गिरा, रेडिएशन फिल्म के ऊपर ज्यादा गिरा तो AGBR ज्यादा टूटा, AGBR ज्यादा टूटा तो डेवलपर के अंदर AG नीचे गिर जाएगा और फिल्म बनेगा ब्लैक। समझ में आया? इसके लिए उस तरीका
मोर एक्सपोज्ड ग्रेन गिव अ डार्कर इमेज. समझ में आया? ओ चचा, ओ भाई साहब. आगे, द डिफरेंट इन रेडियोग्राफिक फिल्म इज मेनली ड्यू टू द वेरियस ऑफ ग्रेन साइज. ओके, अ डिफरेंट इन रेडियोग्राफिक फिल्म, तो रेडियोग्राफिक फिल्म का डिफरेंट जो है वो कैसे पता चलेगा हमको? मेनली ड्यू टू द वेरियस ग्रेन साइज, ग्रेन साइज के हिसाब से. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि D1 फिल्म होता है, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ठीक है. अभी D1 जो फिल्म है उसमें ग्रेन जो साइज है AGBR का छोटे छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है D2 का, उससे और थोड़ा बड़ा होता है D3, और बड़ा 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 सबसे ज्यादा बड़ा किसका है? D7 का. D7 जो है वो चाइना फिल्म, ऐसा समझ लो. फॉर एग्जाम्पल लो क्वालिटी वाला फिल्म और हाई क्वालिटी वाला फिल्म कौन सा है? D1. कभी कभी क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में D4 फिल्म ही यूज करना है, D6 नहीं चलेगा, D5 नहीं चलेगा, D7 नहीं चलेगा. लेकिन हमारे अनपढ़ गवार लोग होते हैं और पढ़ा लिखा नहीं है, सर्टिफिकेशन ले लिया है, तो उसको घंटा पता चलेगा कि D4 और D7 में क्या फर्क है. वो क्या कर ले, चलेगा कोई बात नहीं, मैं समझा देगा साहब, हमारा फ्रेंड है, हाँ तो समझा दो. D7 में पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया. फिर प्रोजेक्ट वाले भाई साहब जो है TPI आए, हमारे स्पेसिफिकेशन में तो D4 लिखा है, आपने D7 में क्यों लिया? This is a penalty. This is NCR, big NCR. और आपको NCR पड़ेगी, करोड़ों का लॉस भी करवाएगा. समझ में आया? सर चला लो ना एक NCR से, कुछ वहां पे चला लो बोला नहीं होता है. अरे भाई 100, 200, 300 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, और वो प्रोजेक्ट में आप गलती करोगे तो आपको क्या होगा? पेनल्टी तो पड़ने ही वाला. पेनल्टी मतलब आपको नहीं पड़ेगा, पेनल्टी किसको पड़ेगा? कंपनी को पड़ेगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हमको एक प्रोजेक्ट मिला था सैमसंग का. कितने का? सैमसंग का, ठीक है. और वो जो सैमसंग का प्रोजेक्ट था, सैमसंग का जो प्रोजेक्ट था उसमें क्या हुआ, हमको वो मिला था 150 करोड़ का. कितने का? 150 करोड़. कितने का? 150 करोड़. कंपनी का नाम नहीं देगा कौन सी कंपनी में मिला वो, लेकिन 150 करोड़ का मिला था. प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन घंट भर पढ़ा तो कुछ है नहीं, ऐसे ही जल्दी जल्दी साइन कर लिया, सबसे लो कोस्ट डाल के. फिर पता चला एक एक इंस्पेक्शन आते 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 इतना डेंजर स्पेसिफिकेशन सैमसंग ने दिखाया. देखो आपने तो साइन किया हुआ, इतना इतना मेरा रिक्वायरमेंट, और आप मुझे लो क्वालिटी वाला काम करके दे रहे, और वही प्रोजेक्ट हम लोगों को 215 करोड़ में पड़ा. कितने का? 215. कितने का प्रोजेक्ट लिया था हमने? 215. कितने का लॉस गया? 75 करोड़ का लॉस गया. समझ में आया? तो अनपढ़ गवार लोग अगर साइन करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट, उसको पता ही नहीं है कि कॉस्टिंग क्या होता है, एस्टिमेशन प्रॉपर नहीं करेंगे, तो लॉस किसको पड़ेगा? कंपनी को. कंपनी को लॉस पड़ेगा, तो सैलरी में कटाव किसका होगा? आप लोगों का होगा. और बिहेवियर किसका खराब होगा? पूरी कंपनी का. कंपनी को दूसरी बार काम भी शायद ना मिले, कंपनी लॉस में चला जाए, कंपनी बंद हो जाए, ऐसा होने का चांस है. तो आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि कहां कहां गलती हो सकता है. हमारे एक अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले की बात है, हमको बोला गया था कि भाई D4 फिल्म यूज करने का, और भाई साहब ने मुत्तु स्वामी ने D6 या D7 यूज किया. 6 महीने पहले की बात है, ठीक है, 6 महीने पहले की बात है. पूरा जॉब हाइड्रो टेस्टेड, सब चीज होके पेंट होके बाहर निकल रहा था. जॉब होल्ड करवाया गया, 100% अगेन आरटी लिया गया, और फिर कौन सी फिल्म में लिया गया? D4 फिल्म में लिया गया. हमारा करीबन 18 दिन लेट हुआ. कितना दिन? 18 दिन. एक दिन का लेट हमको कुछ 1 लाख का लॉस था. कितने का? 18 दिन लॉस गया, तो कितना रुपया का लॉस गया? 18 लाख का. समझ में आया कि आरटी टेक्नीशियन कितना इंपॉर्टेंट है, आरटी लेवल 2 कितना इंपॉर्टेंट है. आरटी लेवल 2 को स्पेसिफिकेशन भी आना चाहिए. वो हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा ना, चैप्टर नंबर 1. कौन सा डेट? 5 मई 2023. हमने एक सेशन किया था ना चैप्टर नंबर 1 का. क्या भाई भूल गए हो चचा? ये चैप्टर नंबर 1 में ये समझाया था कि नहीं समझाया था? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें मैं समझाया ना कि एक छोटा आपका मिस्टेक आपको कितना करवा सकता है. लेकिन हम तो इंडिया वाले हैं, हम लोगों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खली बली करके आगे बढ़ते हैं. और खली बली करके आगे बढ़ते ना, इसके लिए आज हम पीछे रह गए, वरना हम आज बहुत सारे गल्फ कंट्रियों से आगे थे.
मेरे ग्रैंडफादर वो मुझे ऐसा बोलते थे, वो लोगों के वहां पे दुकान पड़ता था गुजरात के यहाँ पे तटीय किनारे पे, वो लोग यहाँ पे आते थे। मेरे ग्रैंडफादर भी उस टाइम पे बहुत छोटे थे, 18-20 साल वाले ही थे, ठीक है, उस टाइम पे वो लोग यहाँ पे आते थे, और आज अभी उल्टा सिचुएशन हो गया, हम लोग वहां पे जॉब करने के लिए जा रहे। समझ में आया बात, कितना फर्क पड़ गया? काहे फर्क पड़ गया? क्वालिटी। और काहे क्वालिटी फर्क पड़ गया? क्योंकि काका मामा, हाँ मेरा मामा का लड़का है ले लो, हाँ तो आ जाओ। काका मामा बामा ये सब चीज का रिलेशन का जुगाड़ की वजह से कंपनी में वो भाई साहब कोच पे बैठ जाएंगे, और अच्छे से स्किल वाले पीपल है वो यहाँ पे रुक जाएंगे, और स्किल वाले पीपल यहाँ पे रुकेंगे, और वहां पे वो कचरा आदमी बैठ जाएगा, उसको तो कुछ घंटा पता नहीं है, फटा खटर फटर खटर फटर डिसीजन लेने लगेगा, और कंपनी का लॉस होगा, कंपनी का क्वालिटी का लॉस, इंडिया का नाम भी खराब होगा। समझ में आया? तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते है, हाँ बोलिए। उसके ऊपर लिखा होगा, वो A4 साइज का फिल्म है, A4 साइज का हम पेज लेके आते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता ना A4 साइज पेज, वो जेरॉक्स मशीन वाला, जेरॉक्स मशीन कभी देखा है ना आपने? वहां पे वो ऊपर लिखा है ना A4 A3 ऐसा लिखा रहता है ना, वैसे ही जब लेके आओगे उसके ऊपर ही लिखा है D1 D2 D3 D4 D5 D6 जो भी है। समझ में आया? नया कोई रॉकेट नहीं है, एकदम सिंपल है, लिखा ही रहता है, ठीक है। ओके okay, अभी और कोई डाउट है ऐसा? यहाँ पे जनरली डीसी मटेरियल का क्या क्या को क्या जनरली D7 यहाँ यूज करते हैं। हाँ इंडिया में जनरली D7 यूज करते हैं, लेकिन लेकिन स्टेनलेस स्टील का पाइप है तो वहाँ पे फिर आपको क्वालिटी का अच्छा क्वालिटी वाला यूज करना पड़ेगा। D7 फिल्म में शायद प्रॉपरली आपको ना दिखाई दे। सर फिर भी फिल्म को देख के अगर पैसा ना तो कैसे मिलेगा? ओके फिल्म के ऊपर, तो कभी कभी क्या होता है, फिल्म के अंदर A4 A3 साइज का फिल्म आता है, तो उसका कॉर्नर कॉर्नर होता है ना वहां पे छपा रहता है। चलो सॉल्व हो गया, और कोई? एक्सपोज टाइम बढ़ जाता है ना फेस में। यस, अभी देखो ये जो D1 फिल्म है D2 फिल्म, वो एक्सपोजर टाइम का शायद यही चैप्टर में आएगा। हाँ देखो इसके बाद का ही पेज है, इसके बाद का पेज में ही आएगा एक्सपोजर टाइम के बारे में, ठीक है, वो भी मैं समझाएगा। और कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा काका मामा बामा ऐसा सब चीज नहीं चलेगा, ध्यान रखो आप भी बड़ी पोस्ट पे जाओ तो लाग वर्क नहीं चलाने का। समझ में आया? आपको ऐसा बोलने का, भाई स्किल है तो तुम्हारा चांस लगेगा, स्किल नहीं है तुम पहले स्किल अरेंज करो, तुम पहले पढ़ो, थोड़ा पढ़ाई करो, एटीट्यूड जनरेट करो, बाल बाल थोड़ा बड़ा बड़ा है कटवा दो, बटन खुले है तो बंद करवा दो, ये सब चीज नहीं चलेगा। अभी आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, समझ में आया? अभी आपका आप ऐसा बोलेंगे ना, हाँ साहब कुछ मुझे थोड़ा क्रैक लग रहा है, ऐसा बोल के हम निकल गएंगे ना, ग्राइंडर को ऐसा लगेगा कि ये तो काटने के लिए बोला, आप ऐसा फट से काट देगा आप, अरे किसने बोला काटने के लिए, फट से काट देगा। समझ में आया? ग्राइंडर ऐसा मानेगा कि मेरे को काटने के लिए बोल रहा है, क्रैक आया है ऐसा, ग्राइंडर भी डर जाएगा, वेल्डर भी डर जाएगा, उसको तो ऐसा लगेगा कि गलती जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, वो काट देगा, आपका एक डिसीजन करोड़ों का भी लॉस करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं। The difference in radiographic film is due to the variation of grainy size के हिसाब से, whenever the largest of which are microscopic, because of the graininess visible clamps of the grain, the presence of the film, the grain is less sharp in the image. Okay, ये भी हम बात अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, ठीक है? A large grain film, मतलब किसकी बात चल रही है? लार्ज ग्रेन फिल्म जो है वो एक्सपोज्ड मोर सिल्वर टू द रेज पर ग्रेन, देयरफॉर द इमेज एक्सपोज मोर क्विकली। समझ में आया? समझाता हूं। अगर ग्रेनी साइज बड़ा होगा, ग्रेनी साइज मोटा होगा, तो क्या होगा, वो जल्दी से एक्सपोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो ये मेरा एक फिल्म है, ये मेरा दूसरा फिल्म है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा है, और समझ लो मैं कोई डिजाइनर नहीं हूं, लेकिन इतना समझ लो आप, ये छोटे छोटे ग्रेन बनाया, ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं किया है, अभी समझो यहां से रेज ये सेम मटेरियल का हम आर्टी कर रहे हैं, इसी का आर्टी कर रहे हैं, और दो फिल्म लगा रहे हैं, एक फिल्म दो फिल्म है ना, या एक फिल्म लगा के आर्टी करते हैं, दूसरे फिल्म लगा के आर्टी करते हैं, फर्क कुछ नहीं है, दोनों फिल्म साथ में भी लगा दोगे और आर्टी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझो दोनों फिल्म लगाए आपने, आर्टी किया, तो ये कौन सा है,
लार्ज लार्ज ग्रेन साइज, ठीक है, ये है स्मॉल ग्रेन साइज, ठीक है, ग्रेज यहाँ से ऐसे 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 आया, ठीक है, या तो फिर समझो हम तीन रेज निकाल रहे हैं, ये तीन रेज आया, दो रेज आया, यहाँ पे भी ऐसे दो रेज आया, ऐसे तो रेज करोड़ों आएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं समझने का कि यार इतना ही रेज आता है, ऐसा नहीं होता है, रेज बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैंने दो रेज दिखाया है। अभी दो रेज में प्रॉब्लम क्या है, ये जहां पे टच हुआ ना वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, राइट, यहां पे टच हुआ, राइट, यहां पे भी टच हुआ है ना, ये भी टच हुआ है, राइट, यहां पे ये टच हुआ, ये टच हुआ, ये टच हुआ, ये थोड़ा टच हुआ, ठीक है, यहां पे ये टच हुआ और ये टच हुआ, राइट। अभी मुझे बोलो कौन सा इमेज अच्छे से अच्छा जनरेट करेगा, ये फिल्म या ये फिल्म, ये पूरा काला काला जैसा दिखेगा, ये क्या दिखेगा, अच्छे से अच्छा फ्रेश जैसा दिखेगा, समझ में आया, तो लेकिन ये फिल्म है वो एक्सपोज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी ही देर रखोगे तीन चार रेज पास हो गए तो उसका तो पूरा फिल्म का सत्यानाश हो जाएगा, समझ में आया, और यहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो ये फिल्म एक्सपोज करने में आपको टाइम लगेगा, ये फिल्म एक्सपोज करने में जल्दी हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ आपको, ठीक है, विच ऑफ द अबव विल बी फास्टेस्ट फिल्म, ये फास्ट फिल्म है, ये फिल्म सी या डी, कौन सा फिल्म इसमें सबसे फास्ट एक्सपोज होगा, काहे ये होगा भैया, ग्रेन साइज बड़ी बड़ी है, राइट, गुड, विच ऑफ द अबव विल बी गिव द शार्पेस्ट डिटेल, एकदम मस्त चकाचक जाएगा, ओके, ये डी है वो शार्प इमेज लगाएगा, राइट, तो यहाँ पे देखो यही लिखा है ना, ये इज द फास्टेस्ट फिल्म है, डी इज द शार्प, सबसे कॉस्टली फिल्म ए बी सी डी में सबसे कॉस्टली फिल्म कौन सा है, ये कॉस्ट वाला फिल्म है, कैसा है, कॉस्टली है, अलीबाबा टाइप का चाइना वाला फिल्म कौन सा है, ये फिल्म है, ठीक है, दूसरा सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला फिल्म कौन सा है, ये बेस्ट क्वालिटी है, समझ में आया, ये है पुअर क्वालिटी है, समझ में आया, ये है लो कॉस्ट वाला है, समझ में आया, ओ भाई थोड़ा थोड़ा घुस रहा है तो भी मैं मेरी जात को मैं धन्य समझेगा यार, कि थोड़ा तो समझा रहा है, माइंड में थोड़ा तो उतर रहा है, ओ भाई साहब ओ कौन है भाई टोपी वाला भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप, सब लोग बिहार वाले ही पकड़े जाते हैं बिहार में गोपालगंज, गुड गुड, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, व्हाइल इट इज ऑफनली इकोनॉमिकली एडवांटेज टू मेक द एक्सपोजर फास्ट एज पॉसिबल यूज द फास्टेस्ट कोरस ग्रेन फिल्म लिमिटेड ग्रेनिनेस ऑफ द टॉलरेटेड, अभी समझो आपको आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी काम चाहिए और बहुत ज्यादा फिल्म का एक्सपोजर जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आप कौन सा फिल्म यूज करेंगे, ये वाला, टाइम बचेगा आपका, और एग्जांपल दूसरा तरीका मैं बोलता हूँ, समझो यहाँ पे मेरा आरटी फिल्म में रखाया, यहाँ पे ये पाइप है, ठीक है, ऐसे हजारों पाइप है, कितने हैं, तो सभी का आरटी लेना है, ठीक है, अभी ये एक पाइप में अगर D7 फिल्म यूज करता हूँ तो एक मिनट हो जाता है, अगर मैं D1 फिल्म यूज करता हूँ तो 6-7 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है, यहाँ पे एक्सपोज करने, मतलब एक बार रेडिएशन चालू किया उसको 6-7 मिनट तक चालू रखना पड़ेगा, तब जाके ये फिल्म एक्सपोज प्रॉपर तरीके से होगा, प्रॉपर इमेज भी बनेगा उसमें, ठीक है, और ये D7 फिल्म है फॉर एग्जांपल D7, तो उसको 1-2 मिनट में ही क्या हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन शार्पनेस नहीं मिलेगा, एकदम शार्प इमेज है वो नहीं बनेगा, समझ में आया, तो जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ड्यूरिंग द नॉर्मल प्रोसेसिंग द ग्रेनिनेस दैट हैव बीन एक्सपोज्ड इन टर्न ब्लैक एंड दिस वे हैव रिसीव्ड और नो एक्सपोजर विल रिमूव्ड फ्रॉम द बेज ऑफ द ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी टैंक, अरे कहां से टैंक प्रोसेसिंग आ गया, ये 10 नंबर 11 नंबर, ओके, हाँ टैंक प्रोसेसिंग, अभी प्रोसेसिंग एरिया स्टार्ट होता है कि कैसे प्रोसेसिंग करना है हमको, ठीक है, वंस
द रेडियोग्राफिक एक्सपोजर हैज बीन मेड, एक रेडियोग्राफिक एक्सपोजर हो गया, मुत्तुस्वामी ने लोडिंग किया फिल्म को, लेके भाई गया साइट पे, साइट पे उसने रेडिएशन ऐसा सब चीज रखा, वो पूरा का पूरा रख के वो एक्सपोज हो गया। अभी मुत्तुस्वामी क्या करेगा, फिल्म को लेके आएगा। तो ये क्या हो गया, वन द रेडियोग्राफिक एक्सपोजर हैज बीन मेड, अभी रेडियोग्राफिक एक्सपोजर हो गया। The film processing so that the latent image was produced by the radiation is made visible. अभी आपको latent image जिसके अंदर है, उसको visible करने के लिए हमें process start करना है। There are essential processing suitably turn convert in the exposure into the useful radiograph. तो चार processing है। पहला क्या है? Developer, stop bath, picture and running water. तो सबसे पहला हम start करते हैं developer. तो डेवलपर के अंदर ये तो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल है, दो केमिकल है, कितने केमिकल है, दो केमिकल है डेवलपर के अंदर, दो केमिकल है और डेवलपर के अंदर ईच विच हैव अ विटल रोल, सबका दोनों का अपना अपना एक अलग अलग काम है। वन ऑफ द केमिकल इज एसिलेटर, वन ऑफ द केमिकल इज एसिलेटर, एसिलेटर क्या करेगा, तो यहां पे लिखा विच मेक द सॉल्यूशन अल्कली, वो सॉल्यूशन अल्कली बनाएगा एंड दिस केमिकल रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर। अभी जैसे ही हम ये फिल्म को निकाला और ऐसे ऐसे धोना स्टार्ट किया डेवलपर के अंदर, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना, उसको वो क्या करेगा, हटा देगा। ओ भाई साहब समझ में आ रहा है, समझ में, आप कहां से है, मुंबई, गुड गुड, मुंबई से, मुंबई में कहां से है, बोरीवली, गुड, चलो अच्छी बात है। अभी देखो ये प्रोटेक्टिव लेयर को निकालेगा, कौन निकालेगा, एस्लेटर कहां पे पड़ेगा, कहां पे रहेगा, डेवलपर के अंदर, समझ में आया, ओ भाई समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, आगे बढ़ते हैं, वो उल्टा वाला समझ रहे हो, ये बात नहीं है सीधा। वन ऑफ द केमिकल एसिलेटर विच मेक द सॉल्यूशन अल्कली, वो सॉल्यूशन अल्कली बनाएगा एंड केमिकल रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर एंड स्वेल द इमल्शन, और इमल्शन की क्या करेगा, थोड़ा बहुत उसके ऊपर थोड़ा बहुत घिसाई करेगा, क्या करेगा, डिजाइन करेगा। जम्मू कश्मीर वाले भाई साहब हम रेडी हो गए यार, कितना दिन हो गया, 5 तारीख ज्वाइन किया था, 5 से आज कितना है, आज 18 कंटिन्यूअस है दवा दम। ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आया है, लग रहा है, गुड, अपने फ्रेंड को भी बोल लिया, गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेगा ये भाई साहब, रिमूव करेगा प्रोटेक्टिव लेयर को और ये इमल्शन लेयर को, उसको थोड़ा सा स्वेल करेगा, थोड़ा सा स्पर्श करेगा, समझ में आया, ओके, एंड दस अलाउइंग द डेवलपिंग एजेंट इनटू इंटरैक्ट विद एक्सपोजर गेन। अभी जो यहां पे एक्सपोजर गेन है, जो एक्सपोज हो चुका है, उसको क्या करेगा, एक्शन करेगा, उसके ऊपर वो जो एक्सेलरेटर थोड़ा बहुत स्वेल करेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, केमिकल इन द डेवलपर, दूसरा जो होता है वो रिड्यूसर होता है, क्या होता है, रिड्यूसर, और वो जो रिड्यूसर होता है वो जो केमिकल, देखो अभी मैंने यहाँ पे बोला ना, ये होता है क्या होता है, अल्कली, ये जो है क्या है, एसिलेटर, वो क्या होता है, अल्कली होता है, और दूसरा होता है रिड्यूसर, और रिड्यूसर में केमिकल हो सकता है मेटल या तो हाइड्रोक्विनोन, है ना, सबसे ज्यादा हमने बेचा, मुनाफा कमाया अंकलेश्वर COVID-19 याद आ रहा है, समझ रहे हो, COVID-19 में सबसे ज्यादा क्या बिका था अमेरिका में, हाइड्रोक्विनोन, याद आ रहा है, जो भी है समझ लो, आगे बढ़ो, वो तो COVID-19 का अलग मैटर है, लेकिन दूसरा केमिकल होगा वो कौन सा होगा, डेवलपर के अंदर, मतलब दोनों केमिकल एक ही डिब्बे में है, एक ही पानी जैसा ही होता है, वो ऐसे ही दिखने में दिखेगा, थोड़ा बहुत कलर उसका अलग होगा लेकिन ऐसा ही होगा। दूसरा केमिकल है वो हाइड्रोक्विनोन होता है या मेटल होता है, और उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसर बोलते हैं, और वो रिड्यूसर का फंक्शन का इज अ फंक्शन ऑफ रिड्यूस्ड एक्सपोजर सिल्वर ब्रोमाइड रेड इनटू ब्लैक मेटालिक सिल्वर। अभी क्या होगा, जो एक्सपोज हो चुका है, जिसके ऊपर रेडिएशन गिरा हुआ है, वो AGBR ऑलरेडी टूट गया होगा, वो ये जी को क्या करेगा, नीचे दबाएगा, कौन दबाएगा, रिड्यूसर, रिड्यूसर में कौन हो सकता है, मेटल या हाइड्रोक्विनोन, समझ में आया, समझ रहे हो भाई साहब, समझ रहे हो ना, आगे बढ़ते हैं। द एंटायर फिल्म डज नॉट टर्न ब्लैक, पूरा फिल्म ब्लैक नहीं होगा, काहे नहीं होगा, जो टूटा ही नहीं है, जो AGBR बॉन्डिंग के वहां पे कोई किसी के साथ टच ही नहीं हुआ, कोई कुछ तो इसमें AGBR ऐसे होंगे ना जो टूटेगा ही नहीं,
क्योंकि सभी जगह रेस नहीं गिर रहा है ना, समझ रहा है, सब कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा फिल्म AGVR का बना हम मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही रेज आएगा वो AGVR को तोड़ेगा और वो जो AG है वो नीचे जला जाएगा। इसकी वजह से आप ऐसा बोलेंगे पूरा फिल्म ब्लैक, पूरा फिल्म ब्लैक नहीं होगा। कौन खाली ब्लैक होगा? जो एक्सपोज हो चुका है वही एरिया ब्लैक होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। द एंटायर फिल्म डज नॉट टर्न ब्लैक, पूरा फिल्म ब्लैक नहीं होगा। द रिड्यूसर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सपोजर एंड एक्सपोजर गेन, रिड्यूसर के पास आंखें होगी, क्या होगी? आंखें हो, देखेगा कौन भाई एक्सपोज हुआ, हाँ तू चल तुम्हारी बहन में जाते, तुम नहीं हुआ चलो तुमको रहने देते हैं। समझ में आया? रिड्यूसर है वो एक दूसरे को अलग करना जानता है, वो जानेगा कि जो एक्सपोज हुआ है उसी को हमें टच करना है, बाकी को टच नहीं करेगा। समझ में आया? ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाउएवर उसी की वजह से इफ द फिल्म रिमेनिंग डेवलपर सॉल्यूशन टू लॉन्ग, अगर हमारा मुत्तू स्वामी धोने में ज्यादा देर 5 से 8 मिनट बोला लेकिन वो 15-15 मिनट तक खचर पचर कर रहा है तो कांड क्या होगा? जो अनएक्सपोज्ड गेन है, जो टूटा नहीं है, उसको फॉगिंग सिस्टम करेगा। क्या करेगा? फॉगिंग सिस्टम, नाम सुना है ना, वो फुला देगा, है ना, फूल के बड़ा हो जाएगा। सॉल्यूशन लॉन्ग, अगर आप लॉन्ग टाइम पे आप ऐसे किचर पिचर किया डेवलपर के अंदर, रिड्यूसर विल बिगिन टू एक्ट अनएक्सपोजर ग्रेन टू फॉगिंग एक्यूर। क्या होगा? फॉग एक्यूर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? फिल्म खराब होगा। इसका मतलब क्या होगा? हम डेंसिटी हमको 2 से 4 या 1.8 से 4 जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा। मतलब जो कांड यहाँ पे टेक्नीशियन करेगा लेकिन पता हमें डेंसिटोमीटर में पता चलेगा। समझ में आया? ओ भाई साहब कहाँ से आप? हाँ बिहार। वापस पकड़े गए। गुड, चलो कोई बात नहीं, गुड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डेवलपर है, ये सब चीज ऐसा होता है, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो घर पे पानी, जो बारिश होता है ना, बारिश तो बारिश का पानी हम जमीन में रोकते हैं, पता है ना। हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर खड्डा करते हैं, उसको एक वॉल बनाते हैं सीमेंट का और बहुत ज्यादा सीमेंट डाल के अंदर से क्या करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं ना, फिर उसके अंदर पानी को स्टोर करते हैं ना। तो ऐसे टंकी भी बनाई जाती है, ऐसे छोटी छोटी कितनी 4 टंकी भी बनाई सकते हैं। ऐसा प्लास्टिक का आपको रखना है तो वैसा भी, अगर और आपके पास ज्यादा पैसा है तो और अच्छा सिस्टम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सपोज हो गया, एक्सपोज होने के बाद अभी इनविजिबल पर लेटेंट इमेज, अभी इसमें कुछ दिखेगा नहीं, ये लेटेंट इमेज को कहाँ पे डालेंगे? डेवलपर के अंदर, खचर पचर। ये डेवलपर है, क्या है? डेवलपर है, उसके ऊपर नीचे करेंगे। जैसे डेवलपर से बाहर निकालेंगे तो ये पिक्चर में जाएगा तो थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट होगा, फिर पिक्चर के बाद फिर प्रॉपरली वॉश करेंगे, उसके बाद फिर ये ड्राई करेंगे तो हमें पूरा का पूरा हार्बिंजर हमको दिखेगा। समझ में आया? आओ भाई, समझ रहे हो ना ऐसा। और यहाँ पे ऐसा कोई काला सा ऐसा लाइन होगा तो समझ लेने का कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ क्रैक है। समझ में आया? किसी ने मुक्का ज्यादा मार दिया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके ये सब चीजें, अगर और ज्यादा पैसा है तो ऐसा भी आप खरीद सकते हैं, पैसा नहीं है तो आप वो बना भी सकते हैं। उसमें नया रॉकेट नहीं है भाई, हमें केमिकल डालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, इवन मैंने भी कुछ सोचा था ऐसा, यार टेक्नीशियन को मजा है आरटी टेक्नीशियन एसी में ही रहने का। अरे एसी में रहने का उसको मजा नहीं है, एसी में उसको रहना पड़ता है क्योंकि वो जो केमिकल है उसको ठंडे में ही रखना पड़ता है। समझ में आया? समझ रहे हो? लेकिन मैं भी बहुत साल पहले जब मैं भी अनपढ़ जैसा था, हम भी स्टार्टअप में एज अ फ्रेशर लगे थे तो हम भी ऐसा सोच रहे थे, मजा है ये जॉब अच्छा है एसी में ही रहने का ऑल टाइम, है ना। डेवलपर जो फिल्म डेवलप करते हैं तो वो एसी रहता है और वो भी धूप 41 डिग्री 42 डिग्री। कच्छ में हम लोग थे उस टाइम पे जब मैं ऐसा प्रेशर लगा था तो मुझे ऐसे ही लग रहा है बहुत मजा है। तो मैं भी क्या करता था, पोल मारने के लिए उसके डार्क रूम में घुस के चेयर में बैठ जाता था, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेशर था, ठीक है। डेवलपर सर कैसे बनता है? डेवलपर कैसे बनता है? साहब का बदला लेगा फैसला है, बताएंगे। देखो अभी टिपिकली द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री से बिलो होगा विद द डेवलपर टाइम बिटवीन 5 to 8 मिनट, 5 से 8 मिनट तक टेम्परेचर 20 डिग्री से
कम रहना चाहिए, समझ में आया? ओके, हाउएवर दिस शुड ऑलवेज बी वेरीफाइड विद द प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकेशन बीइंग यूज्ड। आपका कंपनी का प्रोसीजर, आपका कंपनी का रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए उसके बारे में। मैंने बोला है ना ऑलरेडी, 5 मई 2023 ये सब चीज बोला था ना, ओ भाई साहब बोला था ना कि आपके पास, कंपनी के पास कंपल्सरी रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए। ये रूल्स है, किसका रूल्स है का, है ना? एएसएनटी ने एक प्रोसीजर बनाया है, एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस बनाया है, एसएनटीटीसी1ए, अभी एडिशन उसका चल रहा है 2020, राइट? तो वो उसमें उसने लिखा है कि रिटर्न प्रैक्टिस, रिटर्न प्रोसीजर मस्ट होना चाहिए, है ना? तो रिटर्न प्रोसीजर में लिखा होगा कि आपका केमिकल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपको कितनी देर तक घुड़ करना है, समझ में आया डेवलपर में? तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, 5 से 8 मिनट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, 5 से 8 मिनट तक आपको डेवलप करना है ना, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर दिस शुड ऑलवेज बी वेरीफाइड द प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकेशन बीइंग यूज्ड, स्पेसिफिकेशन के अंदर लिखा होगा। उसके बाद एज अ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज, समझो आपका टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज हुआ, मतलब केमिकल का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, द स्पीड एट विच द अल्कली पेनेट्रेट ऑल्सो इंक्रीज, अल्कली का पेनेट्रेशन जो फिल्म के अंदर जो है ना वो भी इंक्रीज होगा, तो आपको कम टाइम जल्दी जल्दी आपको धोके निकाल देना पड़ेगा, तो ये टाइम में लोचा हो सकता है, समझ में आया? इसके लिए आपको टेम्परेचर के हिसाब से आपका रिटर्न प्रोसीजर जो है उसमें लिखा है उसके हिसाब से आपके आपको डुबेना है, मतलब एजिटेट करना है, बुरुड़ बुरुड़ नहीं होता है, एजिटेट होता है, क्या होता है, एजिटेट करना है, ठीक है? देयरफॉर अ फिल्म डेवलप्ड 20 डिग्री 6 मिनट अगर होता है और मोर डेंस है तो फिल्म डेवलप 15 सेल्सियस में भी 6 मिनट ही लग जाएगा अगर डेंस होता है तो, ठीक है? द डेंसिटी ऑफ डिग्री ऑफ, अभी डेंसिटी मतलब क्या, अभी देखो मटेरियल का डेंसिटी तो हम मोटाई पोटाई वो सब चीज समझ रहे थे, यहाँ पे नया है डेंसिटी का बात है। डेंसिटी मतलब कितना काला फिल्म है, जितना ज्यादा काला फिल्म होगा उतना आपका फिल्म का डेंसिटी ज्यादा होगा, जितना फिल्म व्हाइट होगा उतना फिल्म का डेंसिटी कम होगा, समझ में आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझो कोई फिल्म के अंदर, पूरा फिल्म में चेक किया 3 डेंसिटी है और एक फिल्म मैंने चेक किया 3.5 डेंसिटी है, तो सबसे काला कौन होगा? 3.5 वाला काला होगा, समझ में आया? 3 वाला थोड़ा लाइट होगा, समझ में आया? फिल्म दो ही कलर में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? तो अभी बोलना नहीं साहब हमको नहीं पता है, हमने तो रेड कलर का भी फिल्म देखा है, ऐसा नहीं होता है। दो ही टाइप का, दो ही कलर, वो जो दो कलर है ब्लैक एंड व्हाइट, उसी में हमको डिफरेंट फाइंड करना है, उसी में हमको रिसर्च करना है, कहाँ पे लेको फ्यूजन, कहाँ पे लेको पेनेट्रेशन, कहाँ पे क्रैक, कहाँ पे क्लस्टर पोरोसिटी, कहाँ पे पोरोसिटी, कहाँ पे स्लैग इंक्लूजन, कहाँ पे टंगस्टन इंक्लूजन, समझ में आया? समझ रहे हो? ओ भाई साहब कहाँ से है आप? कर्नाटका। कर्नाटका, वाह गुड, आगे बढ़ते हैं। A density degree of blackness is determined by the number of silver bromide grain reduced by the developer. Developer जितना अगर reduce होगा, जितना AgBr नीचे गिर जाएगा उसके हिसाब से हमारा density decide होगा। अगर ज्यादा Ag गिर गया, ज्यादा Ag गिर गया तो क्या होगा, density ज्यादा होगा, क्योंकि आपका फिल्म कैसा बना, ब्लैक बना, फिल्म ब्लैक बना तो आपका डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर बहुत सारा फिल्म ब्लैक हो गया तो क्या समझ लेना है, मुत्तु स्वामी ने और ऐसा भी हो सकता है उसने, मुत्तु स्वामी ने वो जो एक्सपोजर है वो 3 मिनट तक करना था, उसने 8-10 मिनट तक कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। वो एक्सपोजर है समझो ऐसा रखना था, ये 3 मिनट तक ही रखना था लेकिन उसने 8-10 मिनट तक रख दिया, तो ये फिल्म ज्यादा एक्सपोज होगा, फिल्म ज्यादा एक्सपोज होगा तो एजी ज्यादा टूट जाएगा, समझ में आया? ऐसा होने का चांसेस है। डेवलपर सॉल्यूशन कैन बिकम वीकली, अभी डेवलपर, किसी ने क्वेश्चन पूछा ना डेवलपर कैसे बनाने का, है ना? समझो डेवलपर वीक हो गया, क्योंकि क्योंकि क्या होता है हमारे इंडिया में तो ऐसा ही चल रहा है, पैसा बचाने का चक्कर का होड होता है, समझो उसमें एसिटेट बेज एंड हाइड्रोक्विनोन या तो फिर मेटोल वगैरह डाल दिया, ठीक है, डेवलपर के अंदर। अभी हमारा मुत्तु स्वामी धोता ही जा रहा, धोता ही जा रहा, एक एक साल तक कंटिन्यू फिल्म धोता ही जा रहा है ना, डेली के 100-100, 200-200, 100-200 फिल्म धोता जा रहा है,
लेकिन कभी ना कभी तो वो डेवलपर की बैंड बजेगी, कभी ना कभी तो वो वीक होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, ये फिल्म अच्छा है या ये फिल्म अच्छा है, कोई बोलेगा? ये फिल्म अच्छा है या तो ये बी फिल्म अच्छा है? कौन सा फिल्म अच्छा है? बी फिल्म अच्छा है। कहाँ है अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे इमेज कट गया, यहाँ पे देखो इमेज आया, समझ में आया? समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? ये डेवलपर अभी अच्छा है, ये फिल्म जिसमें बनाया उसमें क्या हो गया होगा, डेवलपर खराब हो गया होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो जिस दिन आप डेवलपर बनाते हो उस दिन आपको कागज के अंदर डेट मार देना है, एक टेबल वगैरह एक बना देना है, वो टेबल आपके वहां पे जहां पे डेवलपर है वहां पे चिपका देना है, वहां पे डेली लिखना। समझो आज आज कितना तारीख है, 18 तारीख है, 18 तारीख को मैंने 22 फिल्म धोया, 19 तारीख को 26 फिल्म धोया, 20 तारीख को मैंने 200 फिल्म धोया, ऐसे करते करते आपको पता चल जाएगा ना। क्योंकि एक डेवलपर जितना बनाओगे तो मैन्युफैक्चरर है वो बोलेगा कि इतना डेवलपर बनाओ, मिनिमम आप 1000 फिल्म धो सकते हो। लेकिन आप 1000 के बाद 2000 भी धोए ही जा रहे हो तो क्या होगा, डेवलपर खराब होगा ना। तो आपको ये भी एक तरीका है डेवलपर बदलने का, ये तरीका है कि ऐसा एक आप चार्ट बना लो, आपके फिर वहां पे लगा दो टेबल। दूसरा तरीका क्या है, आर्टिका फिल्म लो, ठीक है, आर्टिका फिल्म लो, कोई एक जॉइंट है, समझो ये एक जॉइंट है, ठीक है, इसको 5-6 फिल्म ऐसे ही लगा दो, 5-6 फिल्म, कितना, 5-6 फिल्म लगा दो, एक्सपोज कर दो, तो 6 का 6 फिल्म बराबर ही एक्सपोज हुआ होगा। अभी एक ही फिल्म को निकालो, उसको एक्सपोज करो, बाकी के जो 5 फिल्म बचा है, 6 फिल्म में से 1 फिल्म को हमने डेवलप किया, बाकी के जो 5-6 फिल्म बचा है उसको क्या करो, स्टोर कर दो, क्या करो, स्टोर कर दो। अभी आपको कभी डाउट जाता है, आप हर 15 दिन में उसमें से कोई 1 फिल्म निकालो दो, और वो दोनों जो पुराना 1 फिल्म किया था ना वो दोनों का देखो बराबर दोनों डेवलप, क्योंकि इमेज तो दोनों का तीनों का सेम ही है, तो सेम आएगा, देख लो, नहीं यार इसमें गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, मतलब क्या हुआ, डेवलपर खराब हुआ। फिर ऐसे करते 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 लाख फिल्म तक आयोगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि अभी तो डेवलपर एकदम खराब। ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है ना। ओके, तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है आपको स्ट्रिप का मेथड है। क्या है? स्ट्रिप का, वो भी आएगा यहाँ पे तो मैं समझाएगा। केमिकल डिप्लेशन ऑफ द डेवलपर इज प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द फिल्म डेवलपर। Developer, the film is the left side below it shows the result weakened developer of solution. यहाँ पे ये weak solution हो गया है, यहाँ replacement मतलब वो अभी developer खराब हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा, replacement करना है। तो usually technique बहुत सारे है deal with the weakened developer solution. तो replacement control strip combine the record of keeping of the using the control strip. डिस्कस इन नेक्स्ट पेज, आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मैं बोला ना 6 फिल्म ले लो, 1 फिल्म को स्टोर कर दो अच्छे से, फिर उसको छुपा दो, मतलब रख दो शांति से अच्छे से जगह पे, और फिर दूसरे फिल्म ऐसे ऐसे करते जाओ, कंपैरिजन देखते जाओ कुछ टाइम के बाद। अदरवाइज ऐसा आप चार्ट भी बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्या हुआ? ओके, थोड़ी देर हम लोग स्टॉप करेंगे और बाद में 5-10 मिनट के लिए भी रेस्ट लेंगे। हमारा ये जो हमने सीखा कि रिप्लेसमेंट कैसा करना है, वो जो आरटी फिल्म है उसको कैसे निकालना है, कैसे इसका स्ट्रिप वगैरह करना है, उसके हिसाब से आप डेवलपर बना लो। डेवलपर बनाना कैसे है, तो आपको वहां पे मैन्युफैक्चरर का एक सजेशन साथ में आएगा, उसमें लिखा होगा कि इतना लीटर ये डालो, इतना लीटर ये डालो, दोनों केमिकल को कैसे मिक्स करना है, वो कितना कितना लीटर डालना है, वो डालना है बस, और कुछ नहीं है। एकदम सिंपल वहां पे लिखा होगा कि 5 लीटर ये डालो, पहला वाला केमिकल रिड्यूसर, और 5 लीटर एसिलेटर जो भी है ना वो डालो, तो इसके हिसाब से डेवलपर बन जाएगा। तो ये कोई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद डेवलप द नेक्स्ट 2 स्टेप ऑफ द टैंक प्रोसेसिंग रेडियोग्राफी टेक्निक इंक्लूड स्टॉप बाथ एंड पिक्चर इज शोन बिलो डिस्कस नीचे। तो यहाँ पे देखो, ये फिल्म कोटिंग बोथ साइड है, यहाँ पे हमने डेवलपर में डाला, डेवलपर में उसको 5-8 मिनट तक उसको एजिटेट किया, बुरुड़ बुरुड़ नहीं वाला एजिटेट किया। एजिटेट करने के बाद अभी हम कहां पे जाएंगे, स्टॉप बाथ में।
अभी क्या होगा स्टॉप बात के अंदर, व्हेन द फिल्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलपर, जब फिल्म को डेवलपर से जैसे ही बाहर निकालेंगे उसके बाद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कली सॉल्यूशन रिमेनिंग ऑन द फिल्म, क्योंकि डेवलपर के अंदर अल्कली था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे, डेवलपर के अंदर कहा क्या था अल्कली था, यहाँ पे लिखा था ना रिड्यूसर, ये अल्कली यहाँ पे था, देखो एक्सेलरेटर जो है वो अल्कली है, मेक सॉल्यूशन अल्कली है, अभी ऐसे ऐसे हम करेंगे तो फिल्म के ऊपर वो अल्कली रहेगा ना थोड़ा बहुत, वो जो अल्कली है वो स्टॉप बाथ के अंदर क्या होगा, स्टॉप बाथ के अंदर व्हेन द फिल्म रिमूव फ्रॉम द डेवलपर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कली सॉल्यूशन रिमेनिंग ऑन द फिल्म, अभी ये जो स्टॉप बाथ है उसमें क्या होता है एसिड होता है, क्या होता है एसिड, एसिड और वो अल्कली मतलब बेस, एसिड और बेस दोनों मिलेंगे तो क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होगा मतलब क्या होगा पानी जैसा हो गया, फिर उसको टच करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन स्टॉप बाथ जो है स्टॉप बाथ उसमें क्या होगा एसिड होगा, तो उससे ध्यान रखने का, लेकिन फिल्म के अंदर अल्कली था, जैसे ही हम ऐसे डुबुर डुबुर करेंगे इसको एजिटेट करेंगे स्टॉप बाथ के अंदर, तो फिल्म के ऊपर जो अल्कली था ना उसके ऊपर एसिड आएगा तो क्या हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, समझ में आया, तो अभी क्या होगा स्टॉप बाथ इज सर्व इन टू फंक्शन, उसके दो फंक्शन है स्टॉप बाथ के, वहां में भी दो फंक्शन था डेवलपर के, दो फंक्शन थे, पहला क्या था प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करेगा, दूसरा क्या करेगा वो जो ऊपर थोड़ा स्वेल करेगा, एक्सेलरेटर है ना वो क्या करेगा प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करेगा और थोड़ा इमल्शन को थोड़ा स्वेल करेगा, और दूसरा जो केमिकल था मेटोल या तो हाइड्रोक्विनोन वो क्या करेगा जो एक्सपोज्ड एजीपीआर है उसको क्या एजी को नीचे गिराएगा, समझ में आया, वो डेवलपर का काम था, अभी स्टॉप बाथ में जैसे ही आप ऊपर नीचे करेंगे एजिटेट करेंगे तो डेवलपर के दो फंक्शन, सॉरी स्टॉप बाथ के दो फंक्शन, स्टॉप डेवलपिंग द एक्शन मतलब अभी वो डेवलप जो हो रहा है उसको भी बंद कर देगा, ठीक है, एंड न्यूट्रलाइज द अल्कली डेवलपर, ये न्यूट्रलाइज करेगा क्यों, क्योंकि अल्कली और एसिड दोनों मिलेंगे तो क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा, अभी न्यूट्रलाइज द अल्कली डेवलपर बिफोर द फिल्म पुट इन टू द पिक्चर, आप पिक्चर के अंदर जाओगे समझो ये स्टॉप बाथ के अंदर से फिर पिक्चर के अंदर जाओगे तो फिल्म जो है वो क्या हो जाएगा पहले से न्यूट्रल हो गया है राइट, तो पिक्चर का लाइफ पिक्चर में ना तो एसिड जाएगा ना तो बेच जाएगा ना तो डेवलपर का पानी जाएगा डेवलपर वाला कोई केमिकल जाएगा ना तो ये स्टॉप बाथ वाला केमिकल जाएगा, तो पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पिक्चर में जो भी केमिकल हो या वाटर जो भी रहेगा पिक्चर के अंदर वो आएगा तो मैं समझाएगा उसके अंदर जो भी रहेगा उसका लाइफ बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा क्योंकि इसमें ना तो एसिड जा रहा है ना तो बेच जा रहा है, समझ में आया, तो यहाँ पे यही लिखा दस द एक्सटेंडिंग द पिक्चर लाइफ, ये पिक्चर लाइफ बढ़ा देगा, क्यों यहाँ पे ये अल्कली और एसिड दोनों मिलके न्यूट्रल हो गया इसके लिए, ठीक है, अ केमिकल यूज्ड इन स्टॉप बाथ, तो स्टॉप बाथ के अंदर कौन सा केमिकल होगा, जैसे डेवलपर के अंदर दो केमिकल थे एक एसिड एक्सेलरेटर एंड दूसरा रिड्यूसर, रिड्यूसर में कौन था मेटल या हाइड्रोक्विनोन था ना, अभी यहाँ पे ये जो स्टॉप बाथ है उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा, क्या होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और ये जो एसिटिक एसिड में कोज द सेवरल बर्न, अगर उसका छींटा उड़ा आंख बांध में गिरा तो ध्यान रखो कांड ना हो जाए, इसके लिए क्या करने का ग्लव्स और चश्मा वगैरह पहनने का, ठीक है, ओ चाचा ओ भाई साहब कौन सा गांव है आप कहां से हैं, बिहार वाले वापस पकड़े गए लिखते हुए पकड़े गए, आगे यूज द कॉशन व्हेन द मिक्सिंग ऑलवेज ऐड द एसिड इन वाटर, अगर आपको थोड़ा लूल करना है तो पानी क्या करने का ऐड करने का, ठीक है, अभी पिक्चर का काम क्या है, अभी उसमें भी हमने ऊपर नीचे कर दिया, पिक्चर क्या करेगा पिक्चर परमानेंटली फिक्स द इमेज ऑन द फिल्म, वो क्या करेगा इमेज को फिक्स करेगा, क्या करेगा फिक्स करेगा, हाउएवर द अनएक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड स्टिल इन द इमल्शन, अभी क्या होगा एक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड था उसको किसने निकाला डेवलपर ने निकाला, अभी उसके ऊपर फिर भी सिल्वर ब्रोमाइड जो अनएक्सपोज हुआ है वो बच जाएगा, अभी उसको कौन निकालेगा फिक्सर निकालेगा, समझ में आया ओ भाई, समझ रहे हो भाई साहब, आगे
However, unexposed silver bromide grains are still on the emulsion and appear as a milky yellow on the film. मिल्की मतलब जो अपने गांव में वो जो भैंसी होती है ना, भैंस और गाय होती है गांव का, एकदम जरबरा बहुत ज्यादा खाया पिया है ना, उसका मिल्क होगा वो कैसा रहेगा, मोटा रहेगा ना। वो मैं डेयरी वाले बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर का बात कर रहा हूँ, एकदम गांव की जो खाना खाया है, छारा वगैरह खाया है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका मिल्क कैसा होगा, एकदम गाढ़ा रहेगा, छाछ से छाछ बटर मिल्क उसको ऐसे ही। अगर वो गांव की बात कर रहा हूँ, जब गांव में एकदम प्योर छाछ से मोटा है उसको आप ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा ना, वैसा मिल्की टाइप का ये हो जाएगा। कैसा होगा ये फिल्म, मतलब कलर जो है वो कैसा रहेगा, मिल्की येलो टाइप का हो जाएगा और गाढ़ा जैसा हो जाएगा। समझ में आया? अभी क्या होगा, द पिक्चर रिमूव ऑल अनएक्सपोज्ड सिल्वर ग्रेन। अभी ये अनएक्सपोज्ड जो सिल्वर ग्रेन है उसको पिक्चर क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है, फ्रॉम द फिल्म। फिल्म के अंदर जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर ग्रेन है उसको रिमूव करेगा। एंड देयर आर टू सेपरेट स्टेज ऑफ द पिक्चरिंग द प्रोसेस, दो सेपरेट स्टेप है, एक तो क्लीनिंग करेगा और एक वो फिल्म को हार्ड करेगा, क्लीन करेगा। क्लीन करेगा मतलब क्लीन किसको करेगा, वो जो सिल्वर ब्रोमाइड अंदर बैठा हुआ है ना उसको क्लीन करेगा, और ये जो फिल्म है उसको क्या करेगा, समझ रहे हो ठीक है, तो इसको हार्ड बनाएगा, ठीक है। दो काम है ये पिक्चर का, किसका काम है, पिक्चर का, ये फिल्म को हार्ड बनाएगा और पिक्चर ये पिक्चर और इसको क्लीन करेगा। तो क्लीनिंग टाइम द रिमूवल ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड एंड क्लाउडी फिल्म शॉट अपीयर द क्लियर एंड हाउएवर द टोटल टाइम ऑफ पिक्चर शुड बी ट्वाइस टाइम ऑफ द क्लियर फिल्म। जैसे डेवलपर में 5 से 8 मिनट लगा था, आपको पिक्चर में डबल टाइम लगेगा, कितना मिनट, 10 से 16 मिनट लगेगा, कितना लगेगा, समझ आया, समझ रहे हो ऐसा। ओके, अभी हार्ड नहीं, द पिक्चर ऑल्सो harden the emulsion gelatin and which help to prevent the scratches during handling. अगर ये फिल्म हार्ड नहीं होगा, ओ चाचा, फिल्म अगर हार्ड नहीं होगा तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह आने का चांस है कि नहीं है, इसी की वजह से ये पिक्चर है फिल्म को हार्ड बनाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये दो बात समझ में आई। अभी आते हैं हम लोग रनिंग वाटर में, अभी लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है। रनिंग वाटर आफ्टर द केमिकल प्रोसेसिंग, ये सब केमिकल का प्रोसेस हमने कर लिया, द फिल्म इज वॉश्ड, फिल्म अभी वॉश करेंगे एंड ड्राई शोन द फ्लो चार्ट बिलो। तो पहले क्या करेंगे, डेवलपर में घुसेडेंगे, उसके बाद एसिड का स्टॉक बाथ में घुसेडेंगे, इसके बाद पिक्चर में घुसेडेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रनिंग वाटर में कितने मिनट तक, 20 मिनट तक आप घुसर मतलब एजिटेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रायर में डालेंगे, स्पॉट सोल्यूशन में, फिर ड्रायर में, फिर इसको सुखा देंगे, कपड़ा सुखा दे वैसे, इसके बाद आर्टी फिल्म चकाचक तैयार हुआ। इतना सारा मगजमारी करने के बाद आपके हाथ में आरटी फिल्म आता है और आप बोल देंगे रिशूट नहीं चलेगा, डेवलपर ये बोलो लोचा, ये डेंसिटी इतना, समझ में आ रहे हो, बहुत लोचा है टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन का तेल निकल जाता है ये सब चीज करने में, और फिर आप तुरंत बोल देंगे लेवल 2 है, चले मैं तो लेवल 2 हूं, थोड़ा भी नहीं चलाएगा, ऐसा थोड़ा भी नहीं चलाएगा, नहीं चलेगा, जाओ तुमने 4 से ऊपर ज्यादा, डेफिनेटली अगर लिमिटेशन के एरिया में है तो डेफिनेटली आप उसको एक्सेप्ट करिए, लिमिट से बाहर है तो उसको डेफिनेटली आप रिशूट करिए, लेकिन जानबूझ के परेशान करने के चक्कर में आप काम करोगे तो बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, समझ में आया, ये इतना पहुंचा नहीं है। ओके, वाटर देखो, where the hard water is a problem, the film is showing a place and solution in the water spot. Okay, ध्यान रखिएगा, जब धोने के टाइम पे इसमें ड्रॉप उड़ेगा तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे ड्रॉप चिपक गया फिर उसको सुखा दिया, ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ध्यान रखने का, वरना क्या होगा, वाटर स्पॉट के व्हाइट व्हाइट या ये थोड़ा वो धब्बा पड़ जाएगा, समझ में, केमिकल मार्क्स भी होते हैं इसमें, बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह होता है, तो फिल्म को हैंडल करने में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ, फिल्म मस्ट ऑलवेज बी हैंडल द केयर ऑफ द क्लीनिनेस। सबसे ज्यादा फिल्म को प्रॉब्लम क्या होता है, डर्ट का, किसका प्रॉब्लम होता है, अभी फिल्म ताजा ताजा है, कैसा है, ताजा धोया हुआ है, और डस्ट उड़ेगा, मिट्टी उड़ेगा तो इसके ऊपर चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, देखो यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी, समझ में आया, बहुत सारा मिट्टी चिपकने का चांस है। तो आपको जब ताजा ताजा फिल्म धोया है तब आपको प्रॉपर आपको हैंडल करना पड़ेगा,
क्लीनिनेस ध्यान रखना पड़ेगा. डस्ट एंड इनप्रॉपर हैंडलिंग फिल्म कोज आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स आर्टिफैक्ट्स आने का चांस. आर्टिफैक्ट मतलब क्या? ऐसे दबा के पकड़ेंगे. अरे भाई धीरे से पकड़ो ना, ऐसे दबा के पकड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धागा पड़ जाएगा. यहाँ पे ऐसा मार्क्स आ जाएगा. देखो ये प्रेस मार्क्स आया. ऐसा आपने ऐसा दबाया ना पकड़ने के टाइम पे, जब धोने के टाइम पे आप जब सूखा रहे तो ऐसा दबा के रखोगे तो ऐसा मार्क्स आएगा. समझा? ऐसा स्टैटिक मार्क्स आएगा. ऐसा देखो यहाँ पे ऐसा क्रैक दिख रहा है ना आपको? ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है ना? ऐसा होने का चांसेस है. और क्लिप मार्क्स, आप जब ऐसे क्लिप से ऐसा उसको लटकाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है? क्लिप्स के धब्बा पड़ जाता है ऐसा क्लिप्स का. समझ में आया? और अगर दो क्लिप लगाया तो दो धब्बे पड़ेंगे. समझो फॉर एग्जांपल दो क्लिप लगाया था, ऐसे ऐसे होगा. यहाँ पे अभी कितने क्लिप लगाया होगा उसने? एक क्लिप लगाया तो एक क्लिप मार्क्स आएगा. समझ में आया? ये सब होने का चांसेस है. आर्टिफैक्ट्स एनी फील इनपरफेक्शन व्हिच आर फॉर्मड लैक ऑफ केयर और क्लीनिनेस. आपने प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया, आपने क्लीनिनेस का ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से आर्टिफैक्ट के अंदर आर्टिफैक्ट्स आने का चांसेस है. कॉमनली आर्टिफैक्ट सिंपली डस्ट. जनरली सबसे ज्यादा आर्टिफैक्ट्स आते हैं तो क्या आते हैं? डस्ट आते हैं. आज मॉर्निंग में मैं एक आर्टिफैक्ट दिखाया था, मैं देख रहा था तो एक दो बंदे को मैं बोला, वो बोले कि सर ये टंगस्टन इंक्लूजन है, ऐसा कुछ बोला था कोई, बोला था ना? कितने लोग थे उस टाइम पे? 5-6 लोग थे. कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6. कहाँ से आप? बिहार से. बिहार. आप? सूरत. सूरत से आप? सूरत. आप? बिहार. आप? यूपी अलीगढ़. ओके. अब पांचों जब थे तब मैं पता है ना ऐसे ऐसे करके चेक कर रहा था. कहाँ चेक कर रहा था? इसमें डस्ट है. डस्ट होगा तो समझ लेने का लोचा. स्क्रैच मार्क्स है तो मैं बोला ना ये स्क्रैच मार्क्स है, ये कोई टंगस्टन इंक्लूजन नहीं है. समझ में आया? क्यों? हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग. भले ही आपने ना किया हो लेकिन वार किधर पे, लेकिन हैंडलिंग में लोचा हुआ होगा, इसी की वजह से वहां पे ये मार्क्स आ गए. समझ में आया? बहुत सारा इंपॉर्टेंट है. एक फिल्म देखने के टाइम पे आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा. इतना सारा मेहनत आर्टी टेक्नीशियन करता है और आप फट से देख के रिजेक्ट कर दोगे एक्चुअली वो स्क्रैच मार्क होगा और आप ऐसे दे दोगे तो नहीं चलेगा. आपको ध्यान रख के आपको आंसर देना पड़ेगा. आपका एक डिसीजन करोड़ों का डिसीजन है. समझे? आगे बढ़ते हैं. सिंपली डस्ट होता है. कॉमनली आर्टिफैक्ट इज सिंपली डस्ट. द टैंक बैचेस एंड फ्लोर मस्ट बी केप्ट क्लीन. अगर ये बैच क्लीन नहीं है, यहाँ पे हम यूटी करते रहते तो ऑयल होता रहता है, पता है ना? फिर मैं मॉर्निंग में साफ करो तो भाई ऑयल क्लीन करो. काहे क्लीन करो भाई? ये अगर ऐसे नीचे गिरा फिर इसके ऊपर ऑयल पड़ा तो वहां पे क्या हो जाएगा? फिर खराब हो जाएगा. समझ में आया? ऐसा होने का चांस है. स्प्लिंड केमिकल एंड एवोपरेट एंड shown below the press marks, script, clip marks and static marks also artifacts. यहाँ पे दिखाया गया है. एंड फिल्म शुड बी रिमूव्ड केयरफुली. आपको जैसे ही ये निकालते हैं तो इसको अच्छे से शांति से निकालना, ऐसा खट से. ऐसा कुछ लोग है ना इसको ऐसा ऐसा नीचे नीचे खींचते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतने एरिया में स्क्रैच ही जाएगा. अरे फिल्म अभी नया नया धोया हुआ है, आप इसको ऐसे करेंगे? अरे कम से कम ऐसा करके नहीं निकाल सकते हैं. समझ रहा है? लेकिन आलसीपन क्या होता है? आलसीपन. फट 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 जल्दी जल्दी से ऐसा खींच लेगा तो क्या होगा? वो स्क्रैचेस वहां पे आ जाएंगे. ठीक है? फ्रॉम द बॉक्सेस एंड क्लिपिंग बेंडिंग केयर शुड बी ऑल्सो टेकन. अवॉइड द प्लेसिंग और ड्रॉपिंग द हैवी ऑब्जेक्ट. इसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट ना लगा देने का, वरना क्या हो जाएगा? ये भी प्रॉब्लम होने का चांसेस है. ठीक है? एंड कॉज ऑफ द प्रेस मार्क, उसमें प्रेस मार्क स्टैटिक मार्क्स भी आने का चांस है. रिमूव द फिल्म क्विकली इन द बॉक्स एंड जनरेट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ऑलवेज मेक श्योर दैट फिल्म होल्डर एंड लीड स्क्रीन फ्री ऑफ डस्ट एंड लोडिंग कैसेट. ये जो कैसेट है हमारा उसके अंदर स्क्रैचेज वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा निकालने के टाइम पहले से ही अभी फिल्म एक्सपोज हो चुका है और अभी धोया नहीं है, पहले से ही क्या हो जाएगा इसके अंदर? स्क्रैचेज मार्क्स आ जाएंगे. समझ में आया? तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. Thank you very much.